बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में पाव भाजी की रेसिपी, और उसे हम बिना किसी झंझट के प्रेशर कुकर में बनाएंगे। रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भाजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है। इसमें हम 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर देंगे। बटर का इस्तेमाल हमें अच्छे से करना है ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आए। इसी के साथ हमने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। तो ज़ीरे को हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और हमने यहाँ पे एक बड़े साइज़ के प्याज को बारीक कट करके ले लिया है। प्याज को हम मीडियम आंच पे अच्छे से सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। 2 मिनट तक अब हम अदरक लहसुन पेस्ट को प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। तो 2 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, और 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें ऐड कर रहे हैं पाव भाजी मसाला। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, 3 से 4 हरी मिर्च कट करके ऐड कर देंगे। सभी मसालों को अब हम 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं। फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुका है, मसाले में अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर जिसे हमने फाइन चॉप कर लिया है। तो अब टमाटर को मसाले के साथ इस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये एकदम से सॉफ्ट ना हो जाए। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है, टमाटर यहाँ पे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरीके से चम्मच से इसे हम मैश कर लेंगे। टमाटर को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर। यहाँ पर हमने 1 गाजर को इस तरीके से कट कर लिया है। इसी के साथ 1/2 कप इसमें हम बीट रूट ऐड कर देंगे, 1/2 कप शिमला मिर्च, और 1/2 कप हम इसमें फ्लावर ऐड कर देंगे, 1/2 कप मटर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू को छील करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने आलू थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अब सब्ज़ियों को हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं। तो सब्जियों को हमने 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो फ्रेंड्स, पानी हमें इसमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं ऐड करना है, नहीं तो जब हम इसे मैश करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर हमने 1.5 से 2 कप के करीब पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। तो नमक को मिक्स करके कुकर का ढक्कन हम लगा लेते हैं और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम 5 से 6 सीटी दिला लेते हैं। 5 से 6 सीटी आने के बाद जब पूरी तरह से कुकर का प्रेशर निकल जाएगा तभी हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। तो 5 से 6 सीटी हो चुकी है, प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। तो अब हम कुकर का ढक्कन खोलते हैं और सब्जियों को हम मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पोटैटो मैशर लिया है, इससे हम मैश कर लेते हैं। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो आप ग्लास के पिछले वाले हिस्से से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने भाजी को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बीट रूट की वजह से भाजी में कितना अच्छा कलर आया है। हमें ये थोड़ा थिक लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम आपको दिखाते हैं इतना थिकनेस हमें चाहिए था। यहाँ पे नमक हमको थोड़ा सा कम लग रहा है तो 1 टीस्पून के करीब इसमें हम नमक और ऐड कर देंगे। तो पानी डालने के बाद इसे हम लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छी तरह से पानी और नमक सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। तो जब तक ये पक रहा है तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक फ्राई पैन लिया है, इसमें
2 टीस्पून ऑयल और 2 टीस्पून बटर ऐड कर देंगे। बटर को हम अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। जब बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम थोड़ी देर बटर और ऑयल के साथ फ्राई कर लेते हैं ताकि बहुत अच्छी खुशबू आए। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला, 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई इसमें हम धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे। तो इसे हम इस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो फ्रेंड्स, खुशबू आने लगी है, इसे अब हम भाजी में ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी हमारा पाव भाजी बनकर तैयार है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और पाव को सेक लेते हैं। तो उसी पैन में हमने बटर ऐड किया है और पाव भाजी मसाला ऐड कर दिया है और थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे और पाव को हम इसमें अलट पलट कर सेक लेते हैं। दोनों तरफ से इसे हम अलट पलट कर सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पाव भी सिक करके तैयार है। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि पाव भाजी की यह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, गुड बाय।